हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश रीडर हनीडू बुक, सो सेवन चैप्टर ई विजिट टू कैम्ब्रिज. लेट्स सी फ्रॉम हेयर पेज नंबर 99. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी. देखिए, जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं और जो ऑथर है, दोनों के बीच आपस में कन्वर्जेशन चल रही है. तो आई टोल्ड हिम, आई यहाँ ऑथर के लिए यूज हुआ है, ही जो है यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स के लिए यूज हुआ है. तो देखिए, आई टोल्ड हिम, ऑथर कहता है कि मैंने उसे बताया हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, कि वह मेरे लिए और बाकी दूसरे व्यक्तियों के लिए भी कैसे एक अभिप्रेरणा के स्रोत हैं. डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये सब आपकी सहायता करेंगे. नो, नहीं, ही सैड, उसने कहा. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और जो ऑथर कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं कितना मूर्ख था कि मैंने ये क्वेश्चन या प्रश्न पूछा, कि इट मीन्स ये जो प्रश्न था वो बहुत ही बेतुका था. व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाई डे, जब आपका शरीर एक घुटन भरी कमरे में रहता है एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाय डे, और इसकी दीवारें भी दिनों दिन शकरी होती जा रही हो, तो इट डज नॉट डू मच गुड टू नाउ, तो आपके लिए यह जानना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा टू सी दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि बाहर के लोग आपकी सराहना करें और आपके जीवन के लिए दुआ करें, तो ये सब बातें आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और रुचिकर नहीं होगी. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, ऑथर कहते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि क्या आपके पास जो अपंग व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ सलाह है. समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने में सहायता कर सके. दे शुड कंसंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट, उन्हें उस बात पर अपना ध्यान एकाग्रचित करना चाहिए जिसमें वे सबसे अच्छे होते हैं. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, मैं सोचता हूँ कि जो अपंग व्यक्ति है उनके लिए ओलंपिक जैसी बातें करना एक समय की बर्बादी ही होगी. आई नो वाट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आपका क्या आशय है. आई रिमेंबर द ईयर्स, मैंने उन वर्षों को याद किया. आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार, कि मैंने एक स्पेनिश के गिटार को बजाने की कोशिश की, कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज, जो कि मुझसे भी बड़ा था. एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंगल्ड इट वन नाइट, ग्लीफुली मीन्स प्रसन्नता, और मुझे कितनी प्रसन्नता हुई जब मैंने एक रात को इसे तोड़ दिया. द हाफ आवर वाज अप, जो ऑथर था और स्टीफन हॉकिंग था उनके बीच में कन्वर्जेशन के लिए आधा घंटा फिक्स किया गया था, तो आधा घंटा अब खत्म हो गया था. आई थिंक, मैं सोचता हूँ. आई हैव एनोयड यू एनफ, कि मैंने आपको, एनोयड मीन्स होता है परेशान करना, कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है. आई सैड, मैंने कहा, ग्रीमिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, इसके लिए आपको धन्यवाद. इस्टे, रुको, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया. हैव सम टी, क्या तुम कुछ चाय लोगे. तो स्टीफन हॉकिंग जब ऑथर उनसे बात करते हुए बात करने के बाद में वहाँ से चलने लगते हैं, तो स्टीफन हॉकिंग उनसे कहते हैं कि रुको, कुछ समय इंतजार करो, क्या तुम चाय लोगे. आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें एक बगीचा दिखाता हूँ. द गार्डन वाज एज बिग एज ए पार्क, उनका जो बगीचा था वो पार्क की तरह काफ़ी बड़ा था. बट लेकिन स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, स्टीफन हॉकिंग ने प्रत्येक इंच की दूरी तय की रबलिंग मीन्स गड़गड़ाहट या आवाज़ के साथ में, अलोंग हिनेज मोटराइज व्हील चेयर, जो मोटर से चलने वाली उनकी व्हील चेयर थी उसकी आवाज़ के साथ में प्रत्येक इंच की दूरी उन्होंने तय की. इट मीन्स वे गार्डन तक अपने व्हील चेयर के माध्यम से गए. वाहिर जबकि आई डोज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, मैं रास्ते से पीछे की, उनके हमेशा पीछे की तरफ ही पिछड़ता रहा, उनसे पीछे की तरफ. वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हमने ज़्यादा बात नहीं की. द सन मेड हिम साइलेंट, और सूर्य की चमक ने उनको खामोश कर दिया, शांत कर दिया. द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, और उनके
स्क्रीन पर उनके शब्द की चमक खत्म हो गई. एन हावर लेटर एक घंटे बाद में वी वर रेडी टू लीव, और हम वहाँ से एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हुए. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए था. आई कुड नॉट मिस हिम और क्राई, मैं नहीं तो उनको चुम्मन ले सका और नहीं चिल्ला सका. आई टच्ड हिज शोल्डर एंड ही, मैंने उनके कंधों को स्पर्श किया. एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग, और उस गर्मी की शाम को वहाँ से अपनी व्हील चेयर के माध्यम से बाहर आ गया. आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे की ओर देखा. एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था कि वे अपना हाथ हिला रहे हैं. दो ही वॉज नॉट, जबकि वे वहाँ ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही कि जैसे वो अपना हाथ हिलाकर मुझे बाय कर रहे हों. एन एम्बोडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, यह मेरे स्वयं की बहादुरी का प्रतीक है. द वन आई वॉज मूविंग टूआर्ड्स द, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था. द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर मैंने कई वर्षों से विश्वास किया था. अलोन, अकेला. मैं आई न्यू, मैं जानता हूँ दैट माई जर्नी वॉज ओवर, कि मेरी यात्रा अब समाप्त हो गई थी. फॉर नाउ, अभी की जो अभी उन्होंने जो यात्रा की थी वो उनकी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उनका एम था स्टीफन हॉकिंग से मिलने का, तो वे मिल चुके थे. तो उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है, अभी की जो यात्रा है. और ये जो चैप्टर है फिरदौस कांगा, ये इसके ऑथर है, इसके द्वारा लिखा हुआ है. फ्रॉम हेवन ऑन ब्रिज, देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे. तो चैप्टर को रीड करें, और आप डेली अपने चैप्टर से वन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करते रहना है. कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स.